इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी ट्रेंड के स्ट्रेंथ को कैसे हम पहचानेंगे, कौन सा ट्रेंड जो है स्ट्रांग है, कौन सा ट्रेंड जो है वो वीक है। तो इस वीडियो में आप कंप्लीट रूप से सीख पाएंगे कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग है और कौन सा ट्रेंड वीक है। हम कैनलिस्ट के रूप में पहले सीखेंगे कैसे स्ट्रांग ट्रेंड को और वीक ट्रेंड को पहचाने, फिर स्विंग के रूप में कैसे पहचाने कि कौन सा ट्रेंड वीक है, कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग है। तो सबसे पहले ये ट्रेंड जो है काफी स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, देखिए यहाँ से हम लेते हैं तो ये कैंडल हुआ, अगला कैंडल इसका न्यू हाई बनता है, फिर ये कैंडल नया हाई बनाता है, ये कैंडल न्यू हाई बनाता है, एवरी कैंडल यहाँ जो है वो एक नया हाई बन रहा है। अगले दिन थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन फिर से अगला कैंडल जो है नया हाई बनाया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। कैंडलिस्ट के रूप में हर कैंडल एक नया हाई क्रिएट कर रहा है, ये काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड है। वहीं वीक ट्रेंड की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये दो कैंडल नया हाई क्रिएट किया, इस कैंडल ने कोई नया हाई नहीं बनाया, फिर इस कैंडल ने कोई नया हाई नहीं बनाया, ये कैंडल जाकर के न्यू हाई बनाया, फिर ये कैंडल कोई नया हाई बनाया, फिर यहाँ से एक डिप्थ भी आ गया, एक करेक्शन भी आ गया, फिर से ये कैंडल जाकर के न्यू हाई क्रिएट किया। तो ये ट्रेंड काफ़ी वीक है, मतलब जब इसमें करेक्शन आते जाए फिर जाके न्यू हाई बने, तो ये कैनलिस्ट के रूप में ये जो ट्रेंड है वो काफ़ी वीक है। साथ ही साथ अगर ये डिप्थ काफ़ी ज़्यादा आता है तो और ज़्यादा वीक है। तो इस ट्रेंड के कंपेरिजन में ये ट्रेंड जो है काफ़ी स्ट्रांग है। तो कैनलिस्ट के रूप में जब बुलिश ट्रेंड पहचानना हो तो हमेशा नया हाई क्रिएट होना चाहिए, तो वो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं जब हम बेरिस ट्रेंड को पहचानेंगे, यहाँ देखिए प्रत्येक कैंडल जो है नया लो क्रिएट कर रहा है, साथ साथ इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, पिछले कैंडल को, कोई भी कैंडल पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है और नया लो क्रिएट कर रहा है, और यहाँ तक नया लो क्रिएट होते गया तो ये ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग था। फिर से यहाँ पर ये कैंडल ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है, तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आप ट्रेंड को ट्रेड कर सकते थे, काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड था। वहीं वीक ट्रेंड की बात करें, देखिए ये ट्रेंड काफ़ी वीक है, ये जो कैंडल है कोई भी कैंडल नया लो नहीं क्रिएट कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर करेक्शन भी आ रहा है, जितना कि ग्रीन कैंडल है वो करेक्शन को दिखाता है, तो मार्केट में करेक्शन भी आ रहा है, फिर जाकर के एक नया लो क्रिएट हो रहा है, तो ये ट्रेंड काफ़ी वीक है, जबकि ये ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड था। तो इस तरह से आप कैंडलिस्टिक रूप में स्ट्रांग ट्रेंड को और वीक ट्रेंड को पहचान सकते हैं। अब हम स्विंग के रूप में देख लेते हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर करेक्शन आया, लो बनाया, फिर से ये स्विंग स्टार्ट हुआ, फिर से एक लो बनाया, फिर से ये स्विंग स्टार्ट हुआ, तो किसी भी दो स्विंग के लो को हम मिला दें तो ये हमारा होगा ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का एंगल क्या है वो बताएगा कि ये ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे ट्रेंड से, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड आ गया है, यहाँ पर एक लो क्रिएट किया, यहाँ से ये स्विंग हुआ, फिर से करेक्शन आया, फिर से लो क्रिएट किया, और यहाँ से फिर से एक नया स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से नया स्विंग स्टार्ट हुआ, फिर से एक नया हाई क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर हम दो लो को मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ से हम एक लो और एक दूसरे लो को मिला देते हैं, तो ये बन गया हमारा एक ट्रेंड लाइन, मतलब ये ट्रेंड को दिखाता है। तो देखिए इस ट्रेंड का एंगल काफ़ी कम है, जब ट्रेंड का एंगल काफ़ी कम हो तो ये ट्रेंड वीक है, या हम इससे पहचान सकते हैं इसका करेक्शन काफ़ी डीप है, और यहाँ पर देखिए ये भी करेक्शन काफ़ी डीप है, और वहीं इससे पहले वाला जो ट्रेंड था, देखिए इसका करेक्शन उतना डीप नहीं है, इसका करेक्शन काफ़ी कम है, तो जब करेक्शन काफ़ी डीप हो तो वो ट्रेंड वीक है, साथ ही साथ एंगल काफ़ी ज़्यादा हो तो वो ट्रेंड स्ट्रांग होगा, एंगल काफ़ी कम होगा ट्रेंड का तो वो ट्रेंड वीक होगा। तो इस तरह से आप ट्रेंड के स्ट्रेंथ को और वीकनेस को पहचान सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।